हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेनी अनदर वीडियो। तो आज जो है ना अपनी स्कूटर जो है ना 7000 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी 7000 से ज़्यादा ही। तो सोच रहा हूँ कि स्कूटर को ना एक बार जो है ना ऑयल चेंज करेंगे, क्योंकि जंस्कार जाने से पहले, और एक लाइट चेकअप करेंगे, देखते हैं स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी स्कूटर देख सकते हैं अपनी, मैंने पार्क किया हुआ है, और मैंने सुबह में जो है ना इसकी आवाज़ आ रही थी बहुत सारे, जैसे नेट बोल्ट जो है ना लूज़ हो गए थे, तो मैंने वो फिक्स किया हुआ। तो अभी जाते हैं एक बार, और मुझे जो है ना पहले गियर में जो है ना थोड़ा जर्क दे रही है गाड़ी, यानी बुश इसका चला गया। अगर देखेंगे अगर हो जाता है उसका चीज़ का तो कुछ जुगाड़, तो उसको बना लेंगे, और नहीं तो ऐसे ही जो है ना अपनी स्कूटर लेके निकल जाएंगे जंस्कार के लिए। और ऑयल तो चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑयल चेंज करके। तो पहले जाते हैं ऑयल चेंज करते, मैंने हेलमेट और ये सब कुछ लेके आया हूँ यहाँ पे। तो लेट्स टेक वो बाइक। तो यहाँ पे जो है ना स्कूटर खड़ा जब भी करते हो तो गियर पे खड़ा करना पड़ता है, और इस चीज़ को मैं पहले थोड़ा साइड लेता उठा के। तो यहाँ पे मुझे किक मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये रूट तो आपने पहले भी अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे ना तो देखा होगा, एक वीक पहले जैसे स्पीति जाने से पहले मैं यहाँ पे रुका हुआ था। और ये नीचे जो येलो येलो कलर दिख रहा है ना, ये सुबह सुबह होते हुए बिना गाड़ी के ऊपर पूरा ये पाउडर लगा रहता है, ये झाड़ के अंदर से जो है ना ये येलो कलर पूरा निकल रहा है, और पूरी जगह यही मिल रहा है, हवा के साथ भी कहीं भी उड़ रहा है ये येलो येलो कलर का। तो मुझे जो है ना ये यहाँ पे ही जो है ना पहले गियर में जब चढ़ाई कर रहा हूँ ना तभी मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो अगर मैं जंस्कार में जाऊँगा तो और भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो इसलिए मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ और एक ऑयल चेंज कर लेंगे, और देखते हैं अगर जियो ऑफिस में 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ इसको, अगर जियो ऑफिस भी ओपन रहेगा ना तो अपना सिम भी जो है ना इसको कन्वर्ट करके ले लेंगे। अभी जो है ना हल्का भी आवाज़ नहीं आ रहा है, नहीं तो पहले जो है ना वहाँ पे ये सामने जो मैंने लगाया था ना वो बहुत ही आवाज़ कर रहा था। ना मैं यहाँ पे जियो सेंटर में आया हूँ क्योंकि 2 दिन से ये बंद था, अभी देखते हैं अगर होता है तो कर जाएंगे, वरना पहले नहीं तो स्कूटर के यहाँ पे चले जाएंगे। फाइनली अपना काम जो ना था वो हो गया है जियो, लेकिन 5 दिन लग जाएंगे एक्टिवेट होने के लिए अभी भी। लेकिन एक दिक्कत भाई, अभी तक जो ना मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ मुझे अभी तक जो है ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पोस्ट ऑफिस में मेन ऑफिस में जाऊं और वो ऑफिस से जो है ना यहाँ पे भेजे हमें रिटेलर के इसमें, लेकिन यहाँ पे हमें रिटेलर के यहाँ पे आना पड़ा। और सामने लगी है जाम, कुछ पैक भर रहे जिप्स के अंदर। अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ रूम के यहाँ पे, और सिम का तो हो गया मैं, लेकिन मुझे ऑयल चेंज करवाना होगा, और ये एक शॉर्टकट है जो रूम के लिए आता है। और जहाँ पे भी जाते हैं ना वहाँ के पूरे जिस एक लोकेशन के है ना वहाँ के पूरे जो है ना ये याद हो रहे हैं हमें, और एक शॉर्टकट है पूरे अंदर से जाता है गलियों से, और इसमें बहुत सारी चढ़ाई भी यहाँ पर मिलती है। ये कुछ 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन यहाँ पे
मुझे ना बहुत लंबा लगता था, लेकिन अभी यार हाँ इस रास्ते से जाना है मुझे। पहले ये रूट जो है ना बहुत लंबा लगता था, लेकिन अभी बहुत छोटा लग रहा है ये रूट। यहाँ पे जो ना मैं आया था और एक गाड़ी स्कूटर दिख रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे कहाँ पे मैकेनिक मिलेगा। पतली कुल जो है ना यहाँ से है लगभग जो है ना 17 किलोमीटर से। कल वहाँ पे हम गए हुए थे किसी काम से, तो आज ना अपनी स्कूटर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे अभी जुगनी फॉल्स। तो जुगनी फॉल्स जो है ना यहाँ से कितना है, अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ जोगनी वाटरफॉल्स, जो कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका हूँ। लेकिन मेरा जो स्कूटर का ऑयल तो जो है ना मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेन चीज़ जो थी ना मेरी कि मैं क्लच का जो ये है ना पहली गियर में जर्क मारता है, वो मेरा सॉल्व हो जाएगा, मैं इसलिए ये कर रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पतली कुल जो कि ना 17 किलोमीटर आता है यहाँ से। तो कल हम जाके आए थे, कल हम बस में ट्रैवल किए थे, ऐसे ही ग्रुप के साथ गए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो अभी जो है ना जोगनी वाटरफॉल जाएंगे और फिर चलेंगे, और रात को जो है ना या तो रात हो जाएगी या सुबह हो जाएगी, मेरा एक दोस्त आ रहा है तो उसको पिक करेंगे और फिर निकल जाएंगे कल हम जंस्कार के लिए। जंस्कार के लिए जो है ना मैं अपना यहाँ से ही मनाली आ गया था, मेन रीज़न वही था। जंस्कार करेंगे और फिर देखते हैं, जैसे लेह में अगर जाके लेह में जाना हो तो लेह में जाएंगे, या तो सीधा जाएंगे हम कारगिल के लिए। तो भाई ये देखिए यहाँ का पहाड़ों का नज़ारा, और नीचे यहाँ पे है केरला के बंदे जिन्होंने यहाँ पे बीच रास्ते में ही कैंपिंग किया है। और अभी थोड़ी यहाँ से चढ़ाई है, फिर चढ़ाई करेंगे और फिर निकल जाएंगे नीचे माल रोड पे, और उसके बाद कल। तो भाई आज जो है ना वीडियो का दूसरा दिन है और मैं राइड के लिए जो है ना रेडी हो चुका हूँ यहाँ पे। तो कल का वीडियो मैंने एंड नहीं किया था, और रात को जो है ना हम वहाँ से मॉल रोड से सीधा आ गए, और सुबह में मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के ना एक काम से गया था। और अभी जो है ना इस वीडियो को एंड करते हैं और एक नए दिन के साथ जो है ना एक नए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो के अंदर।